हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का थर्ड पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लिन की लड़ाई बैन नाम के एक दूसरे प्लेयर से होती है और वो वर्चुअल सिटी से निकलकर एक जंगल में आ जाता है। यहाँ उसे एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है और वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो लड़की जिसका नाम मोबाई है उसका दिया खाना एक्सेप्ट कर लेती है और फिर जल्दी ही वहाँ रात हो जाती है। मोबाई अपनी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और लिन कहता है कि ये करना तो मेरा फर्ज था। फिर मोबाई उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर लिन कहता है कि वैसे तो लड़कियां मुझे हस्बैंड कहकर पुकारती हैं और तुम भी यही नाम यूज कर सकती हो। तभी वो देखता है कि मोबाई गुस्से में उसे घूर रही है और ये देखकर वो उसे अपना असली नाम बताता है। मोबाई उससे जंगल में आने का कारण पूछती है और इस पर लिन कहता है कि तुम तो जानती हो कि लाइफ कितनी टफ होती है और एक मैन होने के नाते हमें कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन वो समझ जाता है कि मोबाई को उसकी बातें बकवास लग रही हैं और तब वो उसे सच्चाई बताता है कि कैसे वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा है। फिर लिन भी उससे यही सवाल करता है, लेकिन मोबाई कहती है कि वो सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और लिन भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता। फिर वो उसे खुद को फॉलो करने को कहता है और बताता है कि बिना पावर्स के तुम अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगी। मोबाई पूछती है कि मेरी पावर्स के बारे में तुम्हें कैसे पता, और तब लिन कहता है कि तुम अपनी तलवार को काफी देर से निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बाहर नहीं निकली और तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे पास कोई स्पिरिट पावर नहीं है। तभी लिन को नींद आने लगती है और वो मोबाई को भी आराम करने को कहकर वहीं सो जाता है। जागने पर वो देखता है कि मोबाई वहाँ आसपास कहीं नहीं है और ये देखकर वो उदास हो जाता है। तभी मोबाई उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है और पूछती है क्या अभी भी तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, और ये सुनकर लिन खुश हो जाता है। फिर मोबाई उससे आगे के प्लान के बारे में पूछती है और लिन बताता है कि मैं अभी कुछ दिन यहीं गुजारने वाला हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि इस इलाके में काफी सारे मॉन्स्टर रहते हैं और उनसे लड़कर तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। मोबाई भी उसकी बात से एग्री करती है और बताती है कि जंगल में घूमते हुए मुझे एक केव नजर आई है और हम वहाँ अपना शेल्टर बना सकते हैं। लिन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों उस केव के लिए निकल जाते हैं। चलते हुए लिन को कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि एक घुड़सवार तेजी से उनकी ओर आ रहा है। वो तुरंत मोबाई को उसके आगे से हटा लेता है, लेकिन इससे उस घुड़सवार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो देखता है कि उसके घोड़े ने दम तोड़ दिया है। वो इन सब के लिए लिन को जिम्मेदार बताता है, लेकिन लिन कहता है कि सारी गलती तुम्हारी ही है और तुम्हें इतनी तेज घोड़े को नहीं चलाना चाहिए था। वो आदमी लिन को सबक सिखाने को कहता है और लिन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मोबाई उसे रोक लेती है और बताती है कि इस आदमी की बेल्ट पर एक ब्लैक स्नेक बना हुआ है और ये जरूर किसी गैंग का मेंबर है, इसीलिए हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो उस आदमी से उसके घोड़े का प्राइस पूछती है और ये सुनकर वो आदमी उसे घूरने लगता है और कहता है कि अगर तुम पे ही करना चाहती हो तो मैं तुम्हें ही अपने साथ ले चलता हूँ। इस पर मोबाई सोचती है कि एक फोर्थ लेवल के फाइटर की इतनी हिम्मत, लगता है इसे अपनी असली पावर दिखानी होगी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाए, उसे बचाने लिन बीच में आ जाता है और अपने एक ही अटैक से उस आदमी के छक्के छुड़ा देता है। मोबाई भी उसकी पावर देखकर हैरान रह जाती है और लिन सोचता है कि चाहे वो फ्रॉग कितना ही बड़बोला क्यों ना हो, लेकिन तलवार उसने मुझे एक नंबर की दी है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि मेरे सामने एक लड़की पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये कहकर वो उसकी पोटली उठा लेता है जिसमें ढेर सारी मनी रखी हुई है। तो दोस्तों, लिन की तरह आप भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और मैं आपको उसका एक तरीका बताती हूँ। आज के टाइम में हर एक किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है और उसके लिए इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज होना, और इस नॉलेज के लिए मैं सुन रही हूँ एक बुक समरी मनी मेकिंग लीग, जो सिर्फ कुकू एफएम ऐप पर अवेलेबल है। कुकू एफएम इंडिया का नंबर वन ऑडियो शो समरी प्लेटफॉर्म है जिस पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं, और मैं खुद भी ये ऐप काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। इस ऐप को 4.5 प्लस की रेटिंग्स मिली हैं और ऐसी और प्रोग्रेसिव नॉलेज के लिए आप भी यूज कर सकते हैं कुकू एफएम। इसके लिए आप मेरा एक्सक्लूसिव कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, और ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 की है वो मेरे सब्सक्राइबर को सिर्फ 199 में मिलेगी। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लिंक पर क्लिक करिए और ये ऑडियो बुक समरी जरूर सुनिए।
मनी रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आसानी से पाएं और पैसा कमाएं और पैसा बढ़ाएं। इधर मोबाई उससे पूछती है कि लेवल 2 का होकर तुम एक लेवल 4 को कैसे हरा सकते हो, जिस पर लिन कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ऐसा जवाब सुनकर मोबाई की शक्ल देखने लायक होती है। तभी लिन अचानक से फिर थक जाता है और कहता है कि अब ये मेरे सोने का वक्त है। उधर वो फाइटर भागता हुआ वापस अपने क्लैन में जाता है, जहाँ की हाउस मास्टर एक शैतान सी दिखने वाली लेडी है और उन्हें बताता है कि मैं आपका माल डिलीवर करने ही वाला था, लेकिन रास्ते में एक लड़के ने मुझे लूट लिया। ये सुनकर उस लेडी के भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है कि कौन है जिसने स्नेक गैंग से टकराने की गलती की है। इस पर वो फाइटर कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसने आपके फेवरेट घोड़े को भी मार डाला है। और ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है, गुस्से में वो अपने ही आदमी को मार डालता है और अपनी बहन से पूछता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तब वो लेडी अपना एक टैबलेट निकालती है और बताती है कि हमारे हर माल पर एक ट्रैकर लगा हुआ है और इससे तुम उसकी लोकेशन आसानी से ट्रैक कर सकते हो। वो आदमी भी उसकी लोकेशन चेक करता है और कहता है कि अब ये मेरे हाथों नहीं बच सकता। इधर मोबाइल इनको जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि उसकी नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। उसे समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर गया हो। तभी उसे किसी एनिमल के गुर्राने की आवाज़ आती है और ये सुनकर वो बहुत डर जाती है। आगे पता चलता है कि लिन तो सोने के बहाने अपने कमांड सेंटर में गया हुआ है और वहाँ वो उस व्हाइट पोनी को ढूंढ रहा है। तभी वो पोनी उसके पीछे से बाहर आता है और पूछता है कि अब तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, और मुझे तो लगा था कि लड़की मिलने के बाद तुम मुझे भूल गए हो। तब लिन पूरे एटीट्यूड के साथ उसे वो पोटली देता है और कहता है कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं बल्कि शॉपिंग करने आया हूँ। पोनी भी इतने सारे कॉइन्स देखकर बहुत खुश होता है और तुरंत उस पोटली को निगल जाता है। वो बताता है कि इससे तुम्हें पूरे 2000 पॉइंट्स मिलेंगे और क्योंकि पहली बार तुम 1000 पॉइंट्स से ऊपर गए हो तो इसके बदले तुम्हें एक सरप्राइज भी मिलेगा। फिर वो वहाँ एक लकी व्हील बुलाता है और एक्साइटमेंट में आकर लिन की बजाय खुद ही उसे घुमा देता है। लिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पोनी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्राइस तो तुम ही सिलेक्ट करने वाले हो। लिन भी गुस्से में उस पर एक पंच मारता है और वो देखते हैं कि निडल घूमते हुए एक रेयर आइटम पर आ पहुंची है। पोनी ये देखकर नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम चाहो तो इसे दोबारा घुमा सकते हो, लेकिन लिन उसे जल्दी से अपना प्राइस निकालने को बोलता है। पोनी भी ना चाहते हुए बॉक्स बाहर निकालता है और लिन देखता है कि इसे खोलने के लिए उसे 20 पॉइंट्स की जरूरत है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये तो उसने एक लॉटरी में जीता है, लेकिन पोनी बताता है कि मैं गेम के रूल्स को चेंज नहीं कर सकता और ये पेमेंट तो तुम्हें करनी ही होगी। तब लिन उस बॉक्स को ओपन करता है और वो देखते हैं कि इसमें तो बस एक लेवल ड्राइव है, और ये देखकर पोनी रिलैक्स फील करता है और कहता है कि ये भी बड़े काम की चीज है। लेकिन लिन इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था और देखता है कि शायद इस बॉक्स में कुछ और भी रखा हो। तभी अचानक वो बॉक्स चमकने लगता है और उसमें से दो फायरबॉल्स बाहर आती हैं। ये देखकर पोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कंप्यूटर से कहता है कि इतनी महंगी आइटम देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये लड़का भी इस पावर के बिल्कुल लायक नहीं है। वो लिन से भी उस बॉक्स को छीनने की कोशिश करता है और बताता है कि ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, लेकिन लिन उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं इस लॉटरी को फिर से खेलना चाहूँगा। तब पोनी उसे बताता है कि नॉर्मल मेंबर्स को बस एक ही मौका मिलता है और अगर तुम इसे दोबारा खेलना चाहते हो तो तुम्हें हमारी वीआईपी मेंबरशिप लेनी होगी। लिन इसके लिए तैयार हो जाता है और एक स्क्रीन पर अपने लिए ऑर्डिनरी मेंबरशिप चुनता है। ऐसा करते ही वो व्हील फिर से आ जाता है और पोनी उसे दोबारा घुमा देता है। इस बार भी नीडल एक रेयर क्रेट पर आकर रुकती है और पोनी ये देखकर चिढ़ जाता है। बॉक्स खोलने पर वो देखते हैं कि लिन को एक 7-स्टार टेम्पलेट मिला है, जिसे देखकर पोनी एक्साइटेड हो जाता है और लिन पूछता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। पोनी को उसकी किस्मत से जलन होने लगती है कि आखिर हर बार वो ऐसे आइटम्स कैसे निकाल रहा है, और वो लिन को बताता है कि ये इस गेम की सबसे खतरनाक पावर्स में से एक है, जिसमें 7 स्टार एक अलग मूव को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा लेवल 2 का प्लेयर इसे हैंडल नहीं कर सकता। तब लिन फायरबॉल में से एक को खाने की कोशिश करता है ताकि अपनी पावर्स को और बढ़ा सके, लेकिन पोनी बताता है कि ये बॉल बहुत ही हॉट है और तुम्हें इसे पानी के अंदर जाकर लेना होगा। ये सुनकर लिन वहाँ से वापस वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन देखता है कि वो जंगल की बजाय एक केव में लेटा हुआ है और मोबाइल भी आसपास कहीं नहीं है।
पोनी भी उसके पीछे आता है और कहता है कि शायद वो तुमसे तंग आकर यहाँ से भाग गई है। फिर वो लोग केव से निकलकर एक तालाब के पास आते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा कि मैंने बताया, कुकू FM ऐप को जरूर चेक करिएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।